एरिया में एक अभियान चला है जागरूकता को लेके, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, ताकि इस कोरोना महामारी में कोई भी दुकान बंद होने की वजह से या कोई भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जैसे स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को खाने की दिक्कत आ रही है, कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। आज हमने चरखी दादरी के विभिन्न जो स्लम एरिया हैं वहां पर लोगों, अगर कोई समस्या है तो वो चरखी दादरी प्रशासन और संपर्क कर सकते हैं। लगा है ये समय तक, ये नॉकडाउन लगा है, ये चूल्हा नहीं जलाए, ये पलानी के, ये कहीं के नहीं, ये दादरी के लोग है, ये खाना देता है, ये खाना नहीं देता तो हम मर जाते, भूखे मरते। ये खाना दे रहा है, ये दो बार खाना दे रहा है। नॉकडाउन में ये काम नहीं है हमारा, ये नॉकडाउन लगा है, ये काम हमारा धंधा कुछ भी नहीं है। मरने जाए भूख बहुत भी मर रही है, याड़ा साहब ये दो बार खाना देता है, ये गरीब लोग बहुत भूखा मरता जाते हैं। ये हमको ये देते खाना, हम जिंदे हैं, नहीं तो हम मर जाते। बहुत भी धन्यवाद करते हैं इनके, नित्र बहुत भी भूखे मर जाते हैं, अभी नहीं जीते, महीना दो महीना मर जाता है, बच्चे नोक लगता है। समाज के हैं ये, हमारा परिवार पड़े है, ये हम हर काम धंधा करते हैं, हमारी नॉकडाउन के मारे हुए हमारा काम फेल हो रहा है, और भूखे तरसे ये नॉकडाउन में हम फंसे हुए हैं। दादरी शहर के अंदर ये अपने जो सुविधा जो कर रहे हैं, तो है जिससे हमारे को एक दो बार भोजन मिल जाता है, पर हम तो ऐसे कहें, हमारी जो गरीब की सुनेगा, उसकी सब मालिक भी सुनेगा, उसकी भगवान भी सुनेगा। इतनी हमारी पपली पड़ी है, तो ये लॉकडाउन के अंदर भूखा मर रहे हैं, तरसा मर रहे हैं, और हमारी सुविधा करना। खाने के लिए हमारे यहाँ समाज सेवी संस्था है खुशियों की दीवार, रेड क्रॉस उसके साथ मिलके डेली करीबन 250-300 लोगों को सुबह शाम का खाना मुहैया करा रहे हैं, और जो भी हमारे नोटिस में आता है, जिसकी भी डिमांड आती है, हम खाना उनको मुहैया कराते हैं।